दोस्तों आज हम जानेंगे दुनिया की सबसे खूबसूरत और क्यूटेस्ट स्टार फिशेस के बारे में, जो कि शायद ही आपने पहले कभी देखी हो। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि लास्ट वाली स्टारफिश बहुत ही ज़्यादा क्यूट और मनमोहक है। नंबर वन, रॉयल स्टारफिश, शाही तारा मछली को इसका नाम गहरे बैगनी और सुनहरे रंग के कारण मिला है। चमकीले रंग वाली यह प्रजाति उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। यह 700 फीट तक की गहराई पर रह सकता है, जहाँ खाने के लिए बहुत सारे मोलस्क होते हैं। नंबर टू, नेकलेस स्टारफिश, अपने रत्न जैसे अलंकरण और असामान्य मनमोहक रंग के लिए मशहूर नेकलेस स्टारफिश हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर के उथले हिस्सों से आती है। यह स्पंज और छोटे अकशेरुकी जीवों को खाता है और 12 इंच तक बड़ा हो सकता है। इसके विस्तृत डिजाइन के लिए इसे रेड टाइल स्टारफिश भी कहा जाता है। नंबर थ्री, लेदर स्टारफिश, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर अलास्का से मेक्सिको तक पाया जाने वाला लेदर स्टारफिश लगभग 300 फीट की गहराई तक अंतर्जलीय क्षेत्र में रहता है, जहां यह शैवाल से लेकर स्पंज और समुद्री खीरे तक सब कुछ खाता है। इस बीच यह सुबह के सूर्य तारे से बचने और उससे आगे निकलने की पूरी कोशिश करता है। नंबर फोर, चॉकलेट चिप्सी स्टार, चॉकलेट चिप्सी स्टार पर लगे नोब इंसानों को स्वादिष्ट लग सकते हैं, लेकिन शिकारियों के लिए भी खतरनाक लगते हैं। इस वजह से स्टारफिश वास्तव में अन्य प्रजातियों जैसे झींगा, छोटे भंगुर सितारे और किशोर फाइलफिश की रक्षा करती हैं, जो इसकी सतह पर रहती हैं। ये समुद्री तारे स्पंज और अन्य मलबे पर जीवित रहते हैं और अक्सर मूंगा चट्टानों पर पाए जाते हैं। नंबर फाइव, पनामिक कुशन स्टार, सबसे खूबसूरत तारा मछली में से एक पनामिक कुशन स्टार को ज्वारीय ताल में एक महत्वपूर्ण प्रजाति माना जाता है, जिसका श्रेय वह सीपों की आबादी को नियंत्रण में रखने के लिए करता है। स्टारफिश को एक सीप खाने में 6 घंटे से अधिक का समय लग सकता है। ये गांठदार फूले हुए तारे पनामा की खाड़ी और पर्ल द्वीप समूह के आसपास प्रशांत महासागर के उत्तरी भागों तक पाए जाते हैं। दुर्भाग्य से पेरू में यह लगभग विलुप्त हो गया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।